नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं प्रकाश होता दोस्तों। एक कमेंट आया था कि सर हमारा जो उत्कर्ष ऐप है वो अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर हम उससे अपडेट कर भी देते हैं फिर भी वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो अपडेट से पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अपडेट करने के बाद में भी वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप उत्कर्ष ऐप का जो प्रॉपर नया अपडेट है या फिर नया वर्जन है उसे आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए वीडियो, लास्ट में वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने उत्कर्ष ऐप को ओपन करना है, वहां से आपको करना है लॉगआउट। लॉगआउट करने के बाद में आपको एक कदम बैक आना है, यानी कि आपको पूरे मोबाइल की जो डिस्प्ले है वहां पे आना है। और उसके बाद में करना है आपको उत्कर्ष ऐप को अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में वहां पे सर्च करना है उत्कर्ष ऐप। उत्कर्ष ऐप को सर्च करने के बाद में वहां पे आपको एक इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, वहां पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो उत्कर्ष ऐप जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम प्रॉपर और लेटेस्ट वर्जन है। वहां पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके भी देख सकते हैं कि वो जो अपडेट है, यानी कि वो जो आपको ऐप दिख रहा है वो कितनी तारीख तक का अपडेट वहां पे है, तो वो भी आपको वहां पे शो में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको सिंपली उस उत्कर्ष ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है वो है एंटर करना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर वही जो आपने पहले उत्कर्ष ऐप के अंदर लगाए थे। और जैसे आप ये एंटर करेंगे तो उत्कर्ष ऐप वापस से ओपन हो जाएगा और जो लेटेस्ट वर्जन है उत्कर्ष का वो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इनको मैंने पर्सनली कमेंट भी कर दिया था कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना जरूर लगा क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ में आती रहती है। वो क्या करते हैं कि जब उत्कर्ष का जो नया अपडेट आता है तो वो डायरेक्टली उत्कर्ष ऐप को जैसे ही ओपन करते हैं तो वहीं पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वहां पे जो अपडेट आता है वो 3 से 4, ये मान लीजिए 400-500 KB या 1-2 MB के आसपास का होता है, लेकिन अगर आप उत्कर्ष ऐप को प्ले स्टोर के अंदर जाके डाउनलोड करते हो तो वो पूरा का पूरा शुरुआत से डाउनलोड होता है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक उसके आगे वो अपडेट होता है और एक वो पूरा का पूरा ऐप है वो अपडेट होता है। तो दोस्तों जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है अभी जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो कीजिए। उत्कर्ष ऐप के अंदर और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपडेट करने के बाद में तो दोस्तों कमेंट कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।